गुड मॉर्निंग गाइस, आज का डे है हमारा 110 राइट 10 हाँ, तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग रामपू से निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट सिक्किम से निकल जाएंगे। सिक्किम का जो दौर था हमारा बहुत ही प्यारा था, हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया हमने। यहाँ पे पहाड़ घूमे, बर्फ घूमी और गैंगटॉक एमजी मार्केट जो कि बहुत फेमस है, तो ये सारी चीज़ें हमको सिक्किम में मिली। सिक्किम के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि सिक्किम बहुत ही बेहतर जगह है, अगर आप आएंगे तो बिल्कुल आइएगा और समय लेके आइएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बैग वैग सब रेडी हो गया है हमारा, हम नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देन फिर निकलेंगे असम के लिए। ओके चलो चलते हैं गाइस। सबसे अच्छी चीज़ है कि आज ना मौसम अच्छा है, धूप निकली है, तो तकलीफ नहीं होगी, हम अच्छे से चल पाएंगे। और हम आ गए हैं ये उत्तम मिष्ठान भंडार, यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। शुरुआत हमने इसी होटल से की थी और एंड भी हम इसी रेस्टोरेंट से कर रहे हैं। और आ गया है सब्जी पूड़ी, तो खाते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, रेस्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है, फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलते हैं बॉर्डर पे, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि आते टाइम तो हमसे मांगा गया था सारी चीज़ें, रिपोर्ट वगैरह आप देखते हैं आप मांगेंगे कि नहीं। सबसे अच्छी चीज़ है भाई, धूप निकल आई है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पीठ पे बैग आ गया है, सौरभ उधर है, वो था हमारा होटल, अब चलते हैं आगे। जितनी मुश्किल हुई थी हमको जाते टाइम, आते टाइम कुछ नहीं हुआ और इजी हम सिक्किम को छोड़ दिए हैं। वो है सिक्किम का गेट, अब हम आ गए वापस वेस्ट बंगाल में। तो बाबा सिक्किम अच्छा लगा तुमसे मिलके, तो चलते हैं आगे की तरफ वापस से भाई। वाह गाइस, ऐसा है कि हम आ गए हैं वेस्ट बंगाल में और वापस से उसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। खैर कोई नहीं, सिक्किम को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जगह है यार, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ सिक्किम की, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और देखते हैं वेस्ट बंगाल में अब कब तक चलना है, उसके बाद असम में एंट्री कब मिलेगी। तो यही है, और ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का, ये तो आप देख लिए थे लास्ट टाइम जब हम आए थे, तो शाम हो गई थी यहाँ पे, तो ये सब शाम को देख पा रहे थे, अभी हम सुबह को देख पा रहे हैं, तो बढ़िया है, अच्छा है। और खूबसूरत सा रास्ता भाई, इतने दिनों का टीवी देख रहा हूँ ना, जादू सा लग रहा है भाई, गजब। और ये यहाँ का ऐसा माहौल है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना के रखा हुआ है। और हमारी चाय आ गई है, चाय पी गए, चाय पी गए हैं फिर से एक दूसरे कुल्ला पर बढ़िया। तो गाइज हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने यहाँ की चाय पी ली, और ये होटल फाल्गुनी बहुत अच्छी चाय थी यार, बहुत बहुत अच्छी है ना। चाय कैसी लगी तुमको? हमको तो पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तो हम लोग, मैं टॉफी खा रहा हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ रुक गए, चाय पी ली और रील बना ली और पोस्ट भी कर दी तो अभी इसकी रील बची है, एक रील इसको और बनाना है, तो ठीक है बना देते हैं फिर चलते हैं। और मेरा भाई आ रहा है, अरे बाप रे, वीडियो कॉल से बात करते करते आ रहा है किसी से। और
हम लोग स्टे करने के लिए बैठे थे तो ये गाइस हमको मिले हैं और बहुत एक्साइटेड हो गए सुन के। अरे अरे पैदल 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 तो कैसा लगा तुमको? मुझे तो बहुत अच्छा। ठीक है, बाय 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 गाइस। तो अभी हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे तो अचानक से हमको भैया लोग मिले। और भैया अपने अपने बारे में प्लीज़ बताओ। मेरा नाम है लबो हंसदा, मैं उड़ीसा मयूरभंज से बिलोंग करती हूँ और ये जो है सोम मरडी है। और सोम मरडी और भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भाई से भी मतलब ये लोग पैदल मतलब तीन स्टेट कंप्लीट किए हैं और भी अभी लौट रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग मिले, आप कंप्लीट करो अपना मतलब नहीं, मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग मतलब ये कुछ बुरा नहीं है। आपके साथ कुछ भी अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना उस पर आपको मजा भी आएगा। जो भी तकलीफ हो रहा है एक ना एक दिन आप मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे और सोसाइटी के लिए अच्छी चीजें करोगे। और हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए आपको मतलब मैं सोचा कि बात कर लो, देखा कि ट्रैवल पे गया तो मैं सोचा मतलब बात कर लो क्या क्या नहीं है क्या इनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं आगे भी जाकर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आई होप कि कभी हम लोग मिलेंगे ऐसे कभी। बिल्कुल मिलेंगे। और एक ट्रैवलर दूसरे ट्रैवलर से मिलता है तो अंदर की बातें जब बाहर आती है तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्लान करके रखी हुई है, अभी रिवील नहीं कर रहे हैं ना हम करेंगे। और इनका चैनल, आप चैनल का नाम? बाप बाप संतली एंटरटेनमेंट। मेरा हिंदी वाला चैनल भी है ट्राइब ट्रैवलर। और ये मतलब हम तो छोटे मोटे ब्लॉगर है, तो बहुत बड़े ब्लॉगर है। ब्लॉगर होता है छोटा बड़ा और नंबर्स पे मत जाओ। नंबर का बोलते हैं ना, नंबर का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है? नंबर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है? राइट। सब्सक्राइबर नंबर एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, ठीक है? तो फाइनली हमको ये मिले और हमको बहुत मजा आया। मतलब हम तो बहुत देर से बैठे हुए थे, मतलब जूस वगैरह पिए, भैया लोगों से बातें की जो आए थे, अब इनसे मिलके एकदम से हंसी हंसी मतलब खुश हो गए ना। मैं स्पेशली मैसेज देना चाहूंगा, लेकिन स्पेशली मैं मैसेज देना चाहूंगा इनके जो फैमिली है उनको, तो आप लोग कभी डिमोटिवेट मत करिएगा जो भी कर रहे हैं, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट है, मैं भी मतलब आप मैं भी किसी का बेटा हूँ। हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो हमको मोटिवेट ना करें तो भी चलेगा, लेकिन एक ना एक दिन माँ बाप का नाम रोशन करेंगे ये लोग और मैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। कूद जाओ उस पर। कांची रे प्रीत मेरी साथी जाना चाहती हूँ। और हम लोग वापस से वहीं पे आ गए जहाँ गए थे और जिन्होंने हमको पनाह दिया था। तो ऐसा हुआ था लास्ट टाइम जब हम यहाँ से गए थे तो पूरा एक दिन लगा था हमको यहाँ से रंगपुर पहुँचने में, राइट? और आज हम लोग कितने बजे आ गए? अभी 3:02 बाकी हैं, तो बहुत जल्दी आ गए हैं, तो हमको आगे जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं और आपको अलविदा बोलते हैं, हम फिर मिलेंगे जब आना होगा तो। बाय। और यहाँ रुके थे हम लोग सर आपकी तरफ कैमरा है, सर आपकी तरफ कैमरा है सर। हाँ। सर वन टेक शॉट दीजिए ना सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ओवर एक्टिंग के पैसे काटना गाइस इसके, ठीक है? और ये व्यू मिल रहा है बहुत प्यारा यहाँ से। अरे छूट गया। अरे इधर दिखाओ ना। लड़ाई नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे मारे पकड़ो ना यार, बच्चा लोग दीजिएगा। और भाई हमारा थंबनेल बनाते हुए आ रहा है, चलते चलते थंबनेल बना रहा है। कौन से डे का बना रहा है भाई? 85। तो डे 85 का आज थंबनेल बन रहा है। टाइम हो रहा है 3:30 और 5 ब्लॉग देना है आप लोगों को, तो इसलिए ब्लॉग चलते चलते। और ये ऐसा कुछ व्यू,
कर लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया था चिकन रोटी, खा के बताइए सर कैसा है। सर का तो मूवी में ध्यान है, डियर कॉमरेड। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर नहीं बोल रहा है, तो चलो चिकन सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं और मूवी देखते हैं। ऐसा है कि हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, ये चुनू चाइनीज़, कौन सा है होटल? चुनू चाइनीज़ होटल है। आप गेस करिए कि ये फाइव स्टार है कि थ्री स्टार है, आप बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि ये फाइव स्टार होटल है। ठीक है, तो हम लोग 150 रुपये का खाना 400 रुपये में खाए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको यही सजेशन देंगे, अगर आप यहाँ आते हो तो चुनू चाइनीज होटल में खाना मत खाइएगा, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और खाना ऐसा स्वादिष्ट भी नहीं है ना। क्या, मतलब क्या, मिला क्या 300 चिकन पीस और 3 रोटी 170 रुपये के, बस भाई हो गया। अच्छा तो मैं रायपुर में खाना 50 रुपये खाना, तो अब तक का सबसे एक्सपेंसिव खाना हमने खाया। हाँ, मतलब 3 स्टेट घूमने के बाद सबसे महंगा खाना हम लोग यहाँ पे खाए, जो कि 5-स्टार होटल था। हाँ, 5-स्टार होटल में खाना खाएं। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, हो गई है शाम, बज गया है 5, वीडियो आ गई होगी शायद, है ना? आ गई, आ गई, आ गई। खैर ये तो व्लॉग आएगा तब तक तो पता नहीं कितने वीडियो आ जाएंगे, वायरल हो जाएगा, वायरल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आगे, देखते हैं रहने का ठिकाना कहाँ मिलता है हमको कुछ रहने के लिए, तो चलते हैं। तो गाइस ऐसा है कि अब मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, अभी हम लोग बहुत कम्फर्टेबल हो गए हैं। तो हम लोग मल्ली में आए थे, यहाँ पे अपना स्टे हुआ था, तो स्टे ये रैप कैंप, पुलिस रैप कैंप ना, हाँ। तो पुलिस का रैप कैंप है, यहाँ पे हमारा हॉल्ट हुआ है और हमको सर लोग मिले हैं जो कि बहुत सपोर्ट किए हैं, अभी हमसे बात किए हैं, न्यूज़ व्यूज़ देखें, तो फाइनली अब हम बहुत कंफर्टेबल हो गए और अच्छे से सो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, और अभी बहुत सारी ढेर सारी बातें की हैं तो मज़ा आया, और शुभकामनाएँ भी दी हैं तो बढ़िया है गुरु। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं। और हम लोग यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, बहुत आगे निकल गए थे, तो हमको एक भैया मिले जो बोले कि यहाँ पे रुक सकते हैं, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो जहाँ पे आर्मी मतलब पुलिस वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे करीब 8-10 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हमको एक छोटा सा प्यारा सा जगह मिला है जहाँ पे हम लोग रात बिताने वाले हैं। खाना खाने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे खाना खाएंगे, अगर हो पाएगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे, सो जाएंगे। ऐसा है कुछ स्पेस, हमको बस इतना ही मिला, बाकी हमारे पास जो है उससे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खाना खा लिए हैं अभी, मतलब 1 घंटा पहले ही खाना खाए हैं, तो शायद थोड़ा सा खाएंगे और बस इतना ही बोल के हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय, हाँ चलिए सो जाइए, चलो आप लोग भी, तो प्यार बनाए रखिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।